खेल दिवस के मौके पर फिर से खिलाड़ियों को खेल अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। गोल्ड मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सात्विक उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओलंपिक खेलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम साय ने मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 1 से 3 करोड़ रुपए तक पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। सरकार के अधिकारियों ने इस बीच बताया कि मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वहीं सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई। बता दें कि सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह में विभिन्न खेल विधाओं के 502 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उन्हें 1,36,00,000 रुपए वितरित किए। इस बीच सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले 5 साल में राज्य में राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित नहीं होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 मार्च को आयोजित किया गया। खेल दिवस के मौके पर फिर से खिलाड़ियों को खेल अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। सीएम साय ने आगे कहा कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेरावत जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत माता का यश बढ़ाया। सीएम साय के मुताबिक छत्तीसगढ़ भी खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में अच्छी सुविधाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को प्रदेश में तराशने और उनके प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा, जिससे प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का झंडा दुनिया में बुलंद कर सके। सीएम साय के आदेशानुसार खेलों को मुख्यता देने के लिए प्रदेश के जसपुर तथा रायगढ़ में 105 करोड़ की लागत से इंटीग्रेट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तथा सिंथेटिक फुटबॉल मैदान विद रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही बता दें कि राज्य के गठन के बाद पहली बार आवासीय हॉकी अकादमी रायपुर में इसी साल के अगस्त महीने में प्रारंभ भी की गई थी, जो खेल के दृष्टिकोण से प्रदेश के लिए एक बेहतर कदम है। सीएम साय के मुताबिक सितंबर महीने से बालिकाओं के लिए आवासीय फुटबॉल अकादमी शुरू हो जाएगी, जो महिलाओं और बालिकाओं दोनों को ही खेल के लिए प्रेरणा देगी। इसके साथ ही एथलेटिक्स अकादमी, कबड्डी अकादमी तथा तीरंदाजी अकादमी का भी संचालन प्रदेश में सीएम साय के आदेश पर किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जो खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि होगी। सीएम साय ने खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी पूरी मेहनत के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे रहें तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों के इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।